राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर 25 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएगा। पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, हालांकि कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया। नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कोटपूतली विधानसभा सीट की और आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के बारे में। श्रीगंगानगर जिला पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है। इस जिले को पैदावार की वजह से राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अंकुर मंगलानी को टिकट दिया है और बीजेपी ने जयराम बिहाणी को मैदान में उतारा है। अब बात करें श्रीगंगानगर के जातिगत समीकरण की तो इस विधानसभा सीट पर 236,000 के आसपास मतदाता है। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र अरोड़ा भावले क्षेत्र है और जात जाति के मतदाता भी यहां प्रभाव रखते हैं। अब अगर नजर डालें 2018 के विधानसभा चुनाव की तो यहां न तो बीजेपी को जीत मिली और न ही कांग्रेस, बल्कि यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में यहां निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार गौर को 44,998 वोट मिले। और अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मंगलानी की तो ये अरोड़ वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। वे अभी सराफा और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में वे शहर ब्लॉक कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वही बीजेपी नेता जयदीप बिहाणी पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने 19,206 वोट हासिल किए। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहां पर 1990 से लेकर अब तक हुए चुनाव में 4 राजनीतिक दलों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली। यहां पर 1990 से लेकर जनता दल कांग्रेस बीजेपी और नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी को जीत मिल चुकी है। बता दें कि पिछले 2 चुनावों में इस पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में से किसी को भी जीत नहीं मिल सकी। इस बार श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।